शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दीवार के कारण तीसरा गांव मेरे हाथों में आते आते रह गया। तोड़ दो इस दीवार को। रुक जा। खबरदार जो इस घेराबंदी को तोड़ा तो इतना दुस्साहस, गांव के स्त्रियों पर हाथ उठाए, इनकी तो हिम्मत बढ़ रही है। हम लोगों को भी जवाब देना आता है। छुपे हो, मुझे यहां से लेकर चलो। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा करना बंद करो।
ये फकीर कहीं काम ना बिगाड़ दे, इसे अभी सबक सिखाता हूं मैं। मेरी चिंता मत करो, हो सके तो रोक लो इन्हें। शिरडी में भगवान का शुक्र है हम अभी तक सुरक्षित हैं। सुरक्षित कुछ भी नहीं है, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हम जानते हैं कि मैं अमीर हूं, इसलिए दंगाई कभी भी लूट के इरादा से यहां हमला कर सकते हैं। हमें तुरंत शिरडी से पलायन करना होगा, छोड़ना होगा इस गांव को। शिरडी में ऐसे हालात हैं, कैसे जाएंगे हम? सब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर दिया है। सेठ जी जल्दी कीजिए, हमें इसी समय निकलना होगा। जो ले लिया वो बहुत है, अब चलिए ना। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ूंगा मेरे पीछे। सेठ जी जल्दी कीजिए, भगवान के वास्ते जल्दी कीजिए सेठ जी। जल्दी
गाड़ी क्यों रोक गई? आगे कुछ दंगाई लोग हैं। तो क्या हुआ? गाड़ी आगे बढ़ाओ, कुचल दे अगर कुचल रहे तो। किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर औरतें, कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए। सेठ जी, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आगे गए तो वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसा बोला वैसा कर, पैसा दिए मैंने तुझे। सेठ जी, जब गाड़ी नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का? और वैसे भी थोड़ी देर में ये लोग पूरा पैसा लूट लेंगे, आपका भी और मेरा भी। अरे लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। तुम बस भागते रहो। अब नहीं खेला था। कहाँ गए वो लोग? अभी तो ऐसे चलो। अरे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। घबराइए नहीं, तू हाथ हटा, पीछे हट। देखिए आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ आइए। पास में ही मेरी सहेली चंपा रहती है। ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वह सुरक्षित भी रह सकते हैं। मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। तेरे साथ, तेरी मदद लेने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। साई कहते हैं जब कोई भी संकट में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिद मत कीजिए, चलिए कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। हम इन लोगों के घर नहीं जा सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, सबकी मदद, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, भले ही उन्होंने तुम्हारी मदद ना की हो, लेकिन अगर वो संकट में है तो तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है, जैसे आपकी इच्छा। ढूंढो उन लोगों को, यही कहीं छुपे होंगे। काट कर रख दूंगा उनकी गर्दन। चलो। ए, रुको। पर तुम्हें कैसे यकीन है कि हम चंपा के यहाँ सुरक्षित रहेंगे? सेठ जी, वो उन्हीं के घरों में घुसते हैं जहाँ उन्हें कुछ लूटने को मिले।
हम गरीबों के घरों में उन्हें क्या मिलेगा? हम दलित बस्ती वाले हैं ना, हम इस झगड़े से बिल्कुल अलग है। देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी। अब चले। उनकी धमकियां क्या सुन रहे हो? दरवाजा बांधने की व्यवस्था करो, जाओ। तोड़ देंगे। वो संजू के लिए, संजू के लिए। अरे पहले बोला, बोलो, उठाओ जल्दी उठाओ। रखो रखो, इसको भी रख, इसको भी रख। अहो क्या हुआ, ये शोर कैसा? क्या हो रहा है दादा? इस गांव के लोग पागल हो गए हैं, पागल, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। आज पहली बार मुझे ससुराल की याद आ रही है। हाँ? तो चली जा, चली जा। ये सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अगर प्राणों की रक्षा करनी है तो शिरडी से जाना होगा, हमें पलायन करना होगा यहाँ से। हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। नहीं, हम शिरडी छोड़ के कैसे जा सकते? जहाँ साई है वहाँ से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। वो रक्षा करेंगे हमारी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तू खुद करता है और इल्जाम हम पे लगाता है।